गिरिडीह से आजसू और एनडीए के उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं, और उससे पहले ये तस्वीर देखिए। वक्त चंद्रप्रकाश चौधरी जी के आवास पर पहुंचे हैं और हर दिल मोदी का टी शर्ट जो है पहना रहे हैं। चूँकि इस चुनाव में आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी एक नारा दिया है कि 400 फूल में एक फल होना जरूरी है, तभी ये पूजा हो पाएगा। मतलब गिरिडीह से केला छाप जो आजसू का चुनाव चिन्ह है उसके बारे में वो कह रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीर, माँ छिन्न मस्तिका रजरप्पा में पूजा करने के बाद इस वक्त चंद्रप्रकाश जी यहाँ पर पहुँचे हैं। हर दिल में मोदी, मोदी का नारा गूंज रहा है। देखिए मोदी जी के कार्यों को देखकर 10 वर्षों का जो उपलब्धि है, 10 वर्षों में पूरे देश में जो विकास का काम हुआ और देश का नाम पूरे विश्व में नाम रोशन हुआ है, तो लोगों के हर दिल में मोदी या उनके कार्यक्रम में और उनके जो कार्यक्रम होता है, आप देखें होंगे लाखों लाख की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, तो मोदी जी हर दिल में बसते हैं। तो निश्चित तौर पर अब की बार जो 400 पार का नारा है वह हम लोग निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। तो ये प्रकाश जी आए हैं बेरमो से चलकर, और लग रहा है कि एकदम मजबूती के साथ आप लोग बीजेपी आजसू यहाँ मैदान में। निश्चित है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी, चूँकि एक सीट हम लोगों को मिला है, बाकी 13 सीट में भी हमारे आजसू के भी कार्यकर्ता मजबूती के साथ मैदान में है, और इस बार हम लोग 14 का 14 सीट हम लोग जीतेंगे। तो बिल्कुल प्रकाश जी भी हैं, क्या कहेंगे, ये टी शर्ट क्यों बना रहे हैं? देखिए आज पूरा देश मोदीमय है और हर दिल में मोदी का नारा लेकर के हम लोग गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से इस बार फिर से दोबारा बड़े भाई चंद्रप्रकाश चौधरी जी को हम लोग ऐतिहासिक जीत दिलवाएंगे। इस बार हम लोग कम से कम चार लाख से ज़्यादा वोट से हम लोग इनको विजय दिलाएंगे, और कमल और केला इस बार झारखंड से 14 सीट हम लोग पूरा देने को कृत संकल्प है। बेरमो से आप लोग लीड दिलवाएंगे, उसके लिए काम कर रहे हैं। बेरमो से मैं सीपी चौधरी जी के सामने में बोल रहा हूँ कि बेरमो से ऐतिहासिक लीड मिलने जा रही है, और बेरमो में जो अमंगल का साया है, जो अमंगल का छाया बेरमो पर पड़ा हुआ है, उसको इसी चुनाव के रिजल्ट के दिन से ही वो खात्मा होगा। नॉमिनेशन में कितने लोग जा रहे हैं बेरमो से ही आपके साथ? ऐतिहासिक भीड़ होगी, आप आइए, आप भी आइए, चलिए साहब के साथ हम लोग मिलते हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि हर कोई ये टी शर्ट पहना है, हर दिल में मोदी, और यहाँ से चंद्रप्रकाश चौधरी अब निकलेंगे और नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए बोकारो के लिए रवाना होंगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। जिस तरह से आप देखिए कि गिरिडीह का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प हो चुका है, और प्रकाश जी हैं तो कैसे आप लोग काम कर रहे हैं टीम बनाकर, और बीजेपी और आजसू का गठबंधन ये कितनी मजबूती के साथ गिरिडीह में मैदान में दिख रहा है? देखिए बेरमो विधानसभा क्षेत्र में हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, एक एक बूथ को मजबूत किया जा रहा है, सभी बूथों का अच्छे से सत्यापन किया गया है, और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि बेरमो विधानसभा क्षेत्र से सीपी चौधरी जी को एक बड़ा लीड हम लोग देंगे, और जो बेरमो में अमंगल का जो छाया पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए जितने हमारे देखिए बेरमो से भाई लोग सभी लोग आए हैं, हम लोग कृत संकल्प हैं। बीजेपी के वहाँ पहले सांसद थे पांडे जी, रविंद्र पांडे, तो उसके बाद चंद्रप्रकाश जी को उम्मीदवार बनाया गया, तो उसके बाद कहा जाने लगा कि अगली जातियों में नाराज़गी है, तो ये नाराज़गी दूर होगी? नहीं नहीं, ये देखिए हमारा पूरा देश मोदीमय है, मोदी जी का परिवार हम लोग हैं, और हम लोग मोदी जी को लाने के लिए, देश में लाने के लिए सभी लोग, चाहे रविंद्र पांडे जी हों चाहे कोई भी हो, भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मिलजुल करके हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोगों का एक ही मकसद है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को फिर से विजय दिलवाना। ये प्रकाश सिंह हैं बेरमो से भाजपा के नेता हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो बेरमो आता है उस बेरमो से चंद्रप्रकाश चौधरी को लीड दिलवाएंगे, और यही वजह है कि आज नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए उनके आवास से चंद्रप्रकाश चौधरी के घर पर ही पहुंचे हैं, और घर से अब निकल कर ये जाएंगे बोकारो में नॉमिनेशन करने के लिए। तो आज दिन भर लगातार फॉलोअप पर आप कवरेज देख सकते हैं कि कहाँ क्या कुछ नज़ारा है। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.followup.in।